मसले पर कांग्रेस ने फिर केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि भारत की सरजमी पर चीनी कब्जे का दुस्साहस लगातार बना है। चीन डेपसांग और पेंगोंग लेक इलाके में न केवल जबरन कब्जा बनाए हैं, बल्कि चीन के अतिरिक्त सैन्य निर्माण से साफ तौर से खतरे का आभास है। सुरजेवाला ने कहा कि खेद की बात यह है कि केंद्र सरकार व प्रधानमंत्री चीनी दुस्साहस और कब्जे को लेकर केवल मीडिया के माध्यम से भ्रम का जाल पैदा करने में लगे हैं, न कि निर्णायक तौर से यथास्थिति बनाए रखने का दृढ़ निर्णय लेने के। मोदी सरकार द्वारा फैलाया जा रहा भ्रम जाल न देश सेवा हो सकता है और न ही राष्ट्रभक्ति। चीनी घुसपैठ को लेकर भ्रम जाल की स्थिति के स्पष्ट तथ्य इस प्रकार से हैं, जो मोदी सरकार के झूठ को जग जाहिर करते हैं। बता दें आपको कि चीन मसले पर कांग्रेस ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। 19 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक में कहा कि ना तो हमारी सीमा में कोई घुसा है, ना ही कोई घुसा हुआ है, ना ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। 26 जून 2020 की शाम को ही चीन में भारत के राजदूत ने भारत की न्यूज एजेंसी को कहा कि भारत उम्मीद करता है कि चीन अपनी जिम्मेदारी समझकर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में पीछे हट जाएगा। 17 जून 2020 को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने लिखित तौर से स्वीकार किया कि चीन ने गलवान घाटी में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पार भारत की तरफ निर्माण किया है। 20 जून और 25 जून 2020 को विदेश मंत्रालय ने अपने बयानों में स्वीकार किया कि चीन ने मई जून 2020 में भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की है। 17 और 18 जुलाई 2020 के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे के बाद 17 जुलाई 2020 को भारत चीन की परस्पर वार्ता पर ट्वीट किया और कहा कि जो कुछ भी अब तक बातचीत की प्रगति हुई है उससे मामला हल होना चाहिए, कहां तक हल होगा इसकी गारंटी नहीं दे सकता। सुरजेवाला ने कहा कि सैटेलाइट तस्वीरों से यह साफ है कि चीन अब डेपसांग व दौलत बेग ओल्डी इलाके में निर्माण कर रहा है। चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पार कब्जा कर रखा है। यही नहीं, चीन पेट्रोलिंग पॉइंट 10 से पेट्रोलिंग पॉइंट 13 तक भारतीय क्षेत्र में बाधा पैदा कर रहा है। सुरजेवाला ने कहा कि पेंगोंगसो लेक इलाके में अभी भी चीन ने फिंगर 8 से फिंगर 4 तक की पहाड़ियों पर भारतीय सीमा के 8 किलोमीटर अंदर कब्जा कर रखा है। वहां 3000 के करीब चीनी सैनिक मौजूद है। इसके विपरीत भारत के फिंगर 4 पर स्थिति आईटीबीपी के एडमिनिस्ट्रेटिव बेस से मोदी सरकार भारतीय सेना को पीछे हटा फिंगर 3 व 2 के बीच में लाई है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि चीन ने डेपसांग के नजदीक खुद के क्षेत्र में स्थित नारी गुंसा नागरिक हवाई पट्टी को सैन्य हवाई पट्टी में तब्दील कर लिया है। चीन ने 2 सैनिकों के डिवीजन को लद्दाख में भारतीय इलाके के नजदीक तैनात कर रखा है व बड़ी मात्रा में युद्ध सामग्री भी जमा की है। प्रधानमंत्री व बीजेपी सरकार से ये 5 सवाल है। देश के लगभग हर समाचार पत्र आर्मी जनरल व सैटेलाइट तस्वीरों और अब रक्षा मंत्री के खुद के बयान द्वारा प्रधानमंत्री के हमारी सीमा में घुसपैठ न होने के दावे को क्यों झुठलाया जा रहा है? क्या प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय बैठक को चीनी घुसपैठ के बारे में सही तथ्य नहीं बताए? देश के रक्षा मंत्री के इस बयान का क्या मतलब है कि चीन से बातचीत के द्वारा हल की कोई गारंटी नहीं है? क्या चीनी कब्जे को स्वीकार करते हुए मोदी सरकार ने ये मान लिया है कि वो इसका हल नहीं निकाल सकते? क्या चीन अब भी डेपसांग सेक्टर व दौलत बेग ओल्डी सेक्टर में निर्माण कर रहा है? भारत की सीमा में हो रहे इस चीनी निर्माण के बारे में हमारी सरजमी की रक्षा के लिए मोदी सरकार क्या कदम उठा रही है? क्या चीन ने अभी भी फिंगर 4 से फिंगर 8 के पेंगोंगसो लेक इलाके में कब्जा बना रखा है? चीनी सेना का यह कब्जा छुड़वाने के लिए मोदी सरकार की क्या रणनीति है? 5 मई 2020 से पहले की यथास्थिति बनाने और चीन को भारतीय सीमा से पीछे धकेलने में कितना समय और लगेगा? आगे रास्ता क्या है? SPN9 न्यूज रूम से श्रुति की रिपोर्ट।